हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता आपके अपने चैनल एजी वैरायटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज पॉकेट पराठा की रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। इसको आप लंच और डिनर दोनों में बना सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें मेरी सभी आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो लाइक का बटन क्लिक करें, और इसी तरह से सभी रेसिपीज को देखने के लिए नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और पास में दी गई हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जब भी मैं नई नई रेसिपीज को डालूंगी उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगा। और अगर आपका सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हो, आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो वेज पॉकेट पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे। तो डो लगाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक कटोरी व्हीट फ्लोर आटा, यानी कि गेहूँ का आटा। इसकी जगह आप आधा आटा आधी मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल हेल्दी बना रही हूँ तो मैं यहाँ आटे से ही बनाऊँगी। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, और हमें रोटी से थोड़ा टाइट आटा लगाना है, यानी टाइट आटा गूंदना है। ये जैसे कि हम पराठे में आटा गूंदते हैं तो पराठे का आटा थोड़ा सा टाइट रहता है। तो ये देखिए हमने सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। अब थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा देंगे और इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिर इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, और जीरा को क्रैकल होने देंगे। यहाँ मैंने प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है, इसको डाल के हम 1 से 2 मिनट के लिए हमें भूनना है। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये 1 से 2 हमने हरी मिर्च ली है। अब मैंने टमाटर को भी महीन महीन चॉप कर लिया है, तो इसको भी डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक, जिससे कि हमारा जो टमाटर है ना वो गल जाए अच्छे से। और इसको भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, यानी कि जब तक टमाटर हमारा गल ना जाए। तो ये देखिए टमाटर हमारा गल चुका। और यहाँ मैं ले रही हूँ कॉर्न, जिसको मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था, तो इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे ये सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए कॉर्न भी हमारा भुन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 गरम मसाला। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी बढ़ा सकते हैं, जो भी डालना चाहें। अब मसाले को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिए। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले और सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है ये पनीर, मैंने ये क्रश कर लिया है पनीर को। अब इनको भी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। तो फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। तो आधा घंटा हो गया, आटे को भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से गूंद लेंगे और सॉफ्ट कर लेंगे। तो आटा हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, छोटी सी लोई लेंगे, मतलब जितनी हम रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से हम लोई लेंगे, और इसको फ्लैट कर लेंगे इस तरह से, और रोल करेंगे रोटी की तरह ही। तो मैं इसकी थिकनेस आपको दिखाऊंगी। इसकी जो थिकनेस है ना, हमें बहुत मोटी नहीं रखनी है, जैसे रोटी बनाते हैं ना उसी तरह से हमें रखनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमें रखनी है, और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। ये मैंने हरे धनिया की चटनी बनाई है, तो इस तरह से इस पर लगा देंगे इसको। तो ये मैंने स्प्रेड कर दी। अब हम फिलिंग लगा देंगे,
फिलिंग भी रेडी हो गई। अब जैसे हाफ मून होता है ना, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसको सील करने के लिए हम फॉक से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे, तो डिज़ाइन भी बहुत अच्छी सी बन जाएगी और ये अच्छे से सील हो जाएगी, जिससे ये हमारा जो पॉकेट है ना ये खुलेगा नहीं। तो हम दूसरे साइड से भी बना देंगे इसी तरह से। तो ये देखिए हमारा पॉकेट पराठा रेडी हो गया है। अब हम दूसरा भी इसी तरह से बना लेते हैं। दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से लेंगे, आटे को डस्ट करेंगे और छोटी सी लोई बना लेंगे रोटी की तरह, और इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। तो जो इसका आटा है हमें बहुत लूज नहीं रखना है, नहीं तो ये जो है ना अच्छे से चपाती हमारी जो है ना बिल नहीं पाएगी। तो इस तरह से फिल कर दिया मैंने और उसी प्रोसेस से हम इसको भी सील कर देंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों पॉकेट पराठा रेडी हो गए। तो पॉकेट पराठा को सेकने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ाया, उसमें डाला 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसको ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, फिर हम इसमें अपने पॉकेट पराठे रख देंगे। और हमें जो इस टाइम है ना फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे हमें इसको सेकना है, तभी ये क्रिस्पी करारे से सिकेंगे। और इसको एक टॉम की हेल्प से हम इस तरह से पलट लेंगे, नहीं तो आप स्पैचुला से भी इसको फ्लिप कर सकते हैं। ये देखिए हमारी एक साइड अच्छे से सिक गई है, इस तरह से हम प्रेस करके दूसरे साइड भी सेक लेंगे। और इस तरह से हम जो बीच का है ना, इस तरह से वहां पे भी सेक लेंगे, इस तरह से हम दोनों सेक लेंगे। और हमें सब कुछ ये लो फ्लेम पे ही करना है, तभी हमारे जो पॉकेट पराठे हैं ना बहुत अच्छे से सिक पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक गए हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। आप इसको सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ किसी के। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।